करते हैं। अब हमें जो चीज़ पढ़नी है ना, वो हम पढ़ लेते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग में ही चीज़ आती है, और इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल होती हैं, उन चीज़ों को हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब इसको ज़रा समझते हैं। लेट्स से कंपनी है, और वो कंपनी जो है ना, वो दो प्रोडक्ट्स बनाती है, ए एंड बी। एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी बनाती है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। ये इस कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं, ये इस कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है, और कस्टमर्स इनसे ये दो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। अब लेट से हम ये कह लेते हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल की नीड होती है ना पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट वैल्यूज लिख रहा हूँ। पर यूनिट यानी कि एक यूनिट के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल चाहिए? ए के लिए 4 किलो चाहिए, बी के लिए 5 किलो चाहिए। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर ए बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, और बी बनाने के लिए जो है वो 6 घंटे लगते हैं। इसी तरह से मशीन आवर्स, इसी तरह से मशीन आवर्स यानी कि मशीन्स में कितना टाइम लगता है? ए का एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, और बी का एक यूनिट बनाने के लिए जो है ना वो 4 घंटे लगते हैं। सही है ना? ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि भाई ए और बी बनाने के लिए कितना कितना लेबर चाहिए, कितने मटेरियल चाहिए, कितने मशीन आवर्स लगेंगे। इसके साथ साथ आपके पास जो है ना एनुअल डिमांड दी हुई है, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड का मतलब ये है कि मार्केट में इस चीज़ की कितनी डिमांड है, या कितनी चीज़ें आप बनाओगे और वो चीज़ें बिक जाएंगी, इसको हम एनुअल डिमांड कहते हैं। लेट से ए की एनुअल डिमांड जो है वो 80 यूनिट्स है, और बी की एनुअल डिमांड जो है ना वो 100 यूनिट्स है। ठीक है, ए की जो एनुअल डिमांड है वो 80 यूनिट्स है, और बी की जो एनुअल डिमांड है ना वो 100 यूनिट्स है। यानी कि बाजार में जाकर ए के 80 यूनिट्स में बनाकर बेच सकता हूँ, बाजार में जाकर बी के मैं 100 यूनिट्स बनाकर बेच सकता हूँ। अब अगर ऐसा सिलसिला है, तो हम जरा एक और चीज़ मालूम करते हैं कि भाई चीज़ों की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि ज़रूरत कितनी है। देखो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। एक एक यूनिट पर 4 किलो मटेरियल लगता है। एक के बाजार में बनाकर बेचने जाऊंगा तो 80 यूनिट्स की डिमांड है, 80 यूनिट्स बिक जाएंगे। बी के एक यूनिट पर 5 kg मटेरियल लगता है, और बाजार में 100 यूनिट्स की डिमांड है, 100 यूनिट्स बनाकर बेचे जा सकते हैं। तो अगर ए के एक यूनिट पर 4 किलो लगता है और 80 यूनिट्स बनाकर बेचे जा सकते हैं, और बी के एक यूनिट पर 5 किलो लगता है और 100 यूनिट्स बनाकर बेचे जा सकते हैं, तो इसका मतलब मुझे 820 किलो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, 820 किलो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी ए और बी के 80 और 100 यूनिट्स बनाने के लिए। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। जब हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, ए के एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 80 यूनिट्स बनाने। बी का एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, 100 यूनिट्स बनाने। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो टोटल डायरेक्ट लेबर की ज़रूरत होगी ना, वो 760 आवर्स की ज़रूरत होगी, 760 आवर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है,
मशीन आर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम मशीन आर्ट्स की बात करते हैं तो एक का एक यूनिट 1.5 घंटे में बनता है और 80 यूनिट्स बनाने हैं, और बी का एक यूनिट 4 घंटे में बनता है और 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो इस हिसाब से 1.5 × 80 और 4 × 100 ये 520 घंटे हो जाते हैं। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि ये मेरी ज़रूरत है, इतने इतने घंटों की ज़रूरत है, इतने इतने घंटों की ज़रूरत है या इतने किलो की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जितना आपको चाहिए। अब अवेलेबल, बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी मटेरियल की, लेबर की मार्केट में सप्लाई जो है ना वो एक हद तक मौजूद होती है, अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद नहीं होती है। जब अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद नहीं होती है, मिसाल के तौर पर कोई सवाल बोल दे कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, अगर आप बाजार में जाकर खरीदने जाओगे तो जितने भी इस मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनके पास मिल मिलाकर 100 किलो डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल है, मौजूद है। डायरेक्ट लेबर जो है वो 700 घंटे मजदूर अवेलेबल हैं, ऐसे मजदूर आपके पास अवेलेबल हैं जो ये काम कर सकते हैं। अलबत्ता सारे मजदूरों को अगर जमा कर लिया जाए और बुलाया जाए काम करने के लिए तो वो मैक्सिमम 700 घंटे काम कर सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो आपके पास मशीन्स अवेलेबल हैं, जो आपके पास मशीन्स अवेलेबल हैं वो इतनी हैं कि वो 600 घंटे काम कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपने अवेलेबल रिसोर्स को कंपेयर करता हूँ, जो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए मटेरियल जो है ना, अच्छा इसका 1000 kg अवेलेबल है, सॉरी इसको 1000 कर लेते हैं, मटेरियल मुझे चाहिए कितना, 820 किलो, अवेलेबल कितना, 1000 किलो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना मुझे मटेरियल चाहिए ना वो मुझे आसानी से हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा। मशीन आर्ट्स की बात करते हैं तो मशीन्स में 600 घंटे की प्रोसेसिंग हो सकती है, काम हो सकता है, मुझे कितना चाहिए, 520 घंटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीन आर्ट्स भी जितने चाहिए उतने मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं लेबर आर्ट्स की बात करता हूँ तो लेबर आर्ट्स जो है ना मेरे पास 700 घंटे मेरे मजदूर काम कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मुझे डिमांड पूरी करनी है तो मुझे 760 आवर्स की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि इस सवाल में मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है ना वो लेबर आवर्स है। ठीक है, मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लेबर आवर्स है। लेबर आवर्स जो है वो एक ऐसी रिसोर्स है जो जितनी चाहिए उससे कम अवेलेबल है। जितनी मुझे लेबर आवर्स की ज़रूरत है, लेबर आवर्स उससे कम अवेलेबल है। तो हम ये कहते हैं कि इस सवाल में हमारे पास लेबर लेबर आवर्स इज लिमिटिंग फैक्टर। लेबर आवर्स जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर हैं। लेबर आवर्स जो है ना वो उतनी तादाद में अवेलेबल नहीं है जितनी तादाद में मुझे उनकी ज़रूरत है। ठीक है, अब सवाल ये आता है, क्या एक सवाल में एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। और ऐसा आपने पीआरसी में लीनियर प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था। लेबर आवर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारी लिमिटिंग फैक्टर हैं, यानी कि एक लिमिटेड हद में हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स भी मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल हो। अब जब आप अपने सवाल में कोई लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हो, मिसाल के तौर पर ये लेबर आवर्स हमारे लिमिटिंग फैक्टर थे, तो आपने उस सवाल में ये जो स्पेसिफिकली जो लिमिटेड रिसोर्स है ना इसका बेस्ट यूज़ करना होता है। ठीक है, आपने बेस्ट यूज़ करना होता है अपनी लिमिटेड रिसोर्स का। अच्छा,
अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताई इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर था और वो थे लेबर आवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सवालों में एक से ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हो। मिसाल के तौर पर वो बोले कि भाई मटेरियल भी 820 किलो चाहिए लेकिन 700 किलो अवेलेबल है, लेबर आवर्स जो है वो 760 आवर्स चाहिए, 700 आवर्स अवेलेबल है। तो एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, उसको सॉल्व करने का वैसे सवालों को थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। अब हम जब लिमिटिंग रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, इसका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल या बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे किया जाए। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि आखिर लिमिटेड रिसोर्स क्या होती है, और हमारे पास जो इस सवाल ये जो सवाल था इसमें लेबर आवर्स हमारे लिमिटेड थे। अब एक और एग्जांपल जरा आपके साथ मैं करता हूँ, उसमें थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिमिटिंग फैक्टर वाले सवाल आपके पेपर में कैसे आ रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स करूँगा। एग्जाम्पल नंबर वन, एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना सकती है और बेच सकती है। ए की जो सेलिंग प्राइस है वो 500 है, बी की सेलिंग प्राइस जो है वो 400 है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, ए की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 300 है, बी की जो है वो 100 है। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ए से आने वाली कंट्रीब्यूशन 200 है और बी से आने वाली कंट्रीब्यूशन 300। अगर मैं ऐसी छोटी सी आपसे बात करूं कि लेट से कंपनी या तो ए बना सकती है या कंपनी जो है ना वो बी बना सकती है। अगर मैं आपसे ये छोटी सी बात करूं कि कंपनी या तो ए बना सकती है या तो बी बना सकती है, ए या बी में से एक चीज बना सकती है, तो मुझे बताओ कि कंपनी को क्या करना चाहिए, ए बनाए या बी? देखो, ए 500 का बिकता है, 300 रुपये उस पर वेरिएबल कॉस्ट लगती है उसको बनाने में, 200 रुपये की कंट्रीब्यूशन बच जाती है। बी 400 रुपये का बिकता है, 100 रुपये वेरिएबल कॉस्ट लगती है, 300 रुपये कंट्रीब्यूशन बच जाती है। याद रहे कि हर कंपनी का एक प्राइम पर्पस ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमाइज करे, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा करे। और ये भी याद रहे कि कंपनी की कंट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप ये कह सकते हो कि कंपनी को बी बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि बी की से आने वाली जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। जितनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी उतना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। एज्यूम कर लो कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट है वो 50 रुपये है, तो अगर कंपनी बी ए बनाकर बेचेगी तो 200 में से 50 माइनस होकर 150 रुपये प्रॉफिट बच जाएगा, और कंपनी अगर बी बनाकर बेचेगी तो 300 में से 50 रुपये का फिक्स कॉस्ट का अमाउंट माइनस होगा, 250 रुपये प्रॉफिट बच जाएगा। तो हमेशा ये याद रखो कि अगर ए और बी में से एक चीज बनानी है और ए की कंट्रीब्यूशन 200 है, बी की 300 है, तो बी बनाना बेहतर है, बिकॉज बी की कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, और जितनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी उतना ही इवेंचुअल जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा होगा। फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। अगेन मैं यही कहता हूँ कि भाई ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं, सेलिंग प्राइस ए की 500 है, बी की 400 है, वेरिएबल कॉस्ट ए की 300 है और बी की 100 है, कंट्रीब्यूशन ए की 200 है और बी की 300 है,
ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो दी हुई है लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट। ए बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं और बी बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। और सवाल ने ये भी लिखा हुआ है कि लेबर आवर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 12 आवर्स आर अवेलेबल। लेबर आवर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 12 आवर्स आर अवेलेबल। लेबर आवर्स जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है और लेबर के सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे जो है ना अवेलेबल है। अब मुझे बताओ, क्या कंपनी को ए बनाना चाहिए, ए बनाकर बेचती रहे, या कंपनी को बी बनाना चाहिए और बी बनाकर कंपनी बेचती रहे? क्या करना चाहिए ए और बी में से? देखो, अगेन आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही आपका जो प्रॉफिट है ना उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा। अब देखो, यहाँ पर 2 मेथड्स हैं सवाल को सॉल्व करने के। मेथड नंबर वन जो है ना, उसमें मैं क्या करूं, मैं ये देख लूं कि जनाब अगर मैं सारे वर्कर्स को बोलता हूं ए बनाते रहो तो कितने ए बन जाएंगे? मेरे पास 12 घंटे अवेलेबल है, एक ए बनता है 2 घंटे में, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 घंटे में 6 यूनिट्स ए के तैयार हो सकते हैं। 6 यूनिट्स जब ए के तैयार होंगे, 1 यूनिट जो है वो 200 रुपये की कंट्रीब्यूशन बनाकर देता है, तो 6 यूनिट से 1200 की कंट्रीब्यूशन आएगी। और अगर मैं सबको बोलता हूँ कि बी बनाते रहो तो 12 घंटे में, एक बी 4 घंटे में बनता है, तो 3 बी बन सकेंगे। और ये जो 3 बी होंगे, ये 300 रुपये के हिसाब से 900 रुपये की कंट्रीब्यूशन बनाकर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के सारे वर्कर्स को ए बनाना चाहिए, बिकॉज ए से जो टोटल कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी ना वो ज़्यादा होगी, इसलिए क्योंकि 12 घंटे में 6 1 के यूनिट्स बन सकते हैं और एक एक यूनिट 200 रुपये, तो 6 यूनिट्स 1200 की कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि 12 घंटे में 4 घंटे के हिसाब से 3 बी के यूनिट्स बन सकते हैं और एक यूनिट जो है वो 300 रुपये की कंट्रीब्यूशन देता है, तो 3 यूनिट्स 900 रुपये की कंट्रीब्यूशन देंगे। ये एक मेथड है। फिर आ जाते हैं मेथड नंबर टू, फिर आ जाता है मेथड नंबर टू या दूसरा मेथड। मेथड नंबर टू में आप क्या करोगे कि आप एक चीज कैलकुलेट करोगे विच इज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। देखो, यहाँ पर हमारे पास लेबर आवर्स है वो हमारे लिमिटिंग फैक्टर है ना, लिमिटेड रिसोर्स है ना। सवाल ने बोला हुआ है कि भाई 12 घंटे ही लेबर के मैक्सिमम अवेलेबल हैं, तो आप एक चीज कैलकुलेट करोगे विच इज नोन एज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये कैसे आएगा सर? देखिए, आपके पास ए के 1 यूनिट की टोटल कंट्रीब्यूशन है और ए का 1 यूनिट टोटल बनता है कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो आप ए के 1 यूनिट की कंट्रीब्यूशन को ए के 1 यूनिट बनाने के लिए जो आवर्स लग रहे हैं उससे डिवाइड करो, यानी कि 200 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आता है 100। और बी का 1 यूनिट 300 रुपये की कंट्रीब्यूशन देता है लेकिन बनने के लिए 4 घंटे लगते हैं, लिहाजा 300 को अगर 4 से डिवाइड कर देते हो तो आ जाता है 75। सर, ये 100 और 75 क्या बताता है? 100 ये बताता है कि अगर लेबर का 1 घंटा ए बनाने के लिए लगाया गया तो उससे 100 रुपए की हम कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं।
75 हमें ये बताता है, अगर बी के यूनिट्स बनाने के लिए लेबर का 1 घंटा लगाया गया तो वहां से हम 75 रुपए की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर क्या है, अपने घंटों को ए के लिए इस्तेमाल करना या बी के लिए इस्तेमाल करना? ज्यादा बेहतर ये है कि हम अपने जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उनको ए बनाने के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि हम इसके बाद करेंगे रैंकिंग। हम बोलेंगे इसकी फर्स्ट रैंकिंग है, इसकी सेकंड रैंकिंग है, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है ना उसका बेहतर इस्तेमाल ए की तरफ नजर आ रहा है। अगर मजदूर ए के लिए 1 घंटा लगाते हैं तो 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन कमा कर देते हैं, बी के लिए 1 घंटा लगाते हैं तो 75 रुपये की कंट्रीब्यूशन कमा कर देते हैं। तो मेरी जो लिमिटेड रिसोर्स है मुझे उसका बेहतरीन इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि मैं मजदूरों को बोलूं कि आप ए बनाओ। और अब अगर ऐसा है तो अगेन मैं ए बनाने के लिए जाऊंगा, यानी कि जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी मैं उसको ऑप्ट करूंगा। और अगर ए बनाने पर मजदूर अगर 1 घंटा काम कर कर 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर कर देते हैं तो 12 यूनिट जब वो बनाएंगे तो 100 रुपये के हिसाब से वो मुझे 1200 रुपये की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर कर दे रहे होंगे। और ये 1200 रुपये की कंट्रीब्यूशन जो है वो ये दूसरे तरीके से भी हमने निकाली थी। ठीक है, तो जो आपकी लिमिटेड रिसोर्स होती है आपने ये देखना होता है कि उसका बेस्ट यूज जो है ना वो किस तरह से हो सकता है, बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमने यही देखा कि हमारे जो लेबर आवर्स हैं उन लेबर आवर्स का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो ए बनाने के लिए अगर उनका टाइम लगाया जाए तो है, रादर देन के उनका टाइम बी बनाने के लिए लगाया जा रहा हो। समझ में आया ये? ठीक है, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि हम अपने लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटेड रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं।